Hello students, welcome in my channel, myself D.K. Sinha with new topic and today topic is protista. पिछले क्लास में हम लोग किंगडम मोनेरा के बारे में जान चुके हैं. मोनेरा को दो ग्रुप आर्किबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में डिवाइड किया गया था. आर्किबैक्टीरिया में हम लोगों ने हायरोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स और मिथाइनोजेंस के बारे में पढ़ा. यू बैक्टीरिया में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा के बारे में देखा. आज हम सेकेंड किंगडम के बारे में हम लोग जानेंगे एंड सेकेंड किंगडम इज किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा वाज प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हिकेल इन 1866. टर्म प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा वाज प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हिकेल इन 1866. प्रोटिस्टा, मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक. यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस एंड डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट. ओके, मोस्टली एक्वेटिक, फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट, मे बी मेराइन और फ्रेश वाटर, मीठे जल और खारे जल, समुद्र और मीठे जल के हैबिटेट दोनों में रह सकता है. सम स्पेसीज ऑल्सो टेरेस्टेरियल, मोस्टली आर एक्वेटिक, सम आर टेरेस्टेरियल. माइक्रोस्कोपिक और स्मॉलर इन साइज एंड एक्वेटिक फॉर्म इज एज प्लैंकटन. एक्वेटिक फॉर्म इज एज लाइक प्लैंकटन. प्लैंकटन मीन्स दैट फ्रीली फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. इन प्लैंकटन नो एनी स्विमिंग ऑर्गन्स, लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट डेट फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ वाटर करेंट. सो दीज आर कॉल्ड प्लैंकटॉन्स एंड इन एन सम एनिमल इन विच, इन सम लिविंग्स इन विच स्विमिंग ऑर्गन्स, लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट डेट आर कॉल्ड नेक्टॉन्स, डेट आर कॉल्ड नेक्टॉन्स. सो दीज आर प्लैंकटॉन्स. ओके, सेल इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन एंड सम एडिशनल कवरिंग मे बी प्रेजेंट अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सच एज पेलिकल, सेल, सेलोजिक सेल वॉल, क्यूटिकल इटीसी. दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ प्रोटिस्टा. नेक्स्ट, इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोनेरा एंड सम अदर किंगडम. यू नो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट व्हिटकर लिविंग्स आर क्लासिफाइड इंटू फाइव किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई
प्लांटी एंड एनिमेलिया इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोनेरा एंड अदर किंगडम्स। शुरू में मैं एक स्ट्रक्चर दिखाया था क्लासिफिकेशन में, सपोज दैट दिस इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी फंजाई एनिमेलिया, प्लांटी फंजाई एनिमेलिया। अब देखिए तो अगर हम मोनेरा को कनेक्ट कर रहे हैं प्लांटी से तो बीच में प्रोटिस्टा है, मोनेरा को कनेक्ट करते हैं फंजाई से लिंक प्रोटिस्टा है, एनिमल के बीच में भी लिंक प्रोटिस्टा है। इट मीन्स इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोनेरा एंड अदर किंगडम्स, मोनेरा को दूसरे किंगडम से जोड़ने वाला कनेक्टिंग लिंक प्रोटिस्टा है। ओके, न्यूट्रिशन ऑल टाइप्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में सभी तरह का न्यूट्रिशन होता है। इट मीन्स ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, बोथ, इन सम केसेस मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑल्सो अकर्स। मिक्सोट्रॉपिक मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक, एक ही लिविंग्स में कभी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है कभी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मेनली फोटोट्रॉपिक, इन ऑटोट्रॉपिक मेनली फोटोट्रॉपिक, एंड इन हेटरोट्रॉपिक ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन सच एज सैप्रोफाइटिक, पारासिटिक एंड होलोजोइक, ऑल टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स इन प्रोटिस्टा। यह सभी किंगडम से बिल्कुल अलग है, यह विचित्र है, किसी में हेट्रो होता है किसी में ऑटो होता है, इसमें तो सारे तरह का न्यूट्रिशन, ऑटो भी है हेट्रो भी है, हेट्रो में भी सैप्रोफाइटिक है पारासाइटिक है और होलोजोइक भी। रिस्पायरेशन मेनली एरोबिक रिस्पायरेशन, मेनली एरोबिक रिस्पायरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट इन सम फॉर्म्स इन बेंथिक फॉर्म और इन पारासाइट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एनारोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस। ऐसे जनरल फॉर्म्स में एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, लेकिन कुछ फॉर्म कुछ लिविंग्स जो बेंथिक फॉर्म में
एक्वेटिक हैबिटेट के बॉटम में है और बॉटम में प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, वैसे कंडीशन में वहां रहने वाले प्रोटिस्ट एनारोबिक रिस्पायरेशन करता है। उसी तरह से कुछ प्रोटिस्ट जो पैरासिटिक फॉर्म में है, एलिमेंट्री कैनाल में है, तो वहां भी प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिसके कारण कि वह एनारोबिक रिस्पायरेशन शुरू करता है। ओके, तो हम लोग जानेंगे मेनली एरोबिक रिस्पायरेशन अकर्स, बट इन सम एनारोबिक रिस्पायरेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन रिस्पायरेशन के बाद देखें लोकोमोशन। लोकोमोशन इन प्रोटिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट और लोकोमोशन अकर्स सच एज सूडोपोडियल मूवमेंट और लोकोमोशन। यहां एक चीज ध्यान दें, मूवमेंट और लोकोमोशन हम दोनों टर्म यूज कर सकते हैं। मूवमेंट मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ होल बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इन केस ऑफ प्रोटिस्ट बॉडी इज सिंगल सेल, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, तो जब भी मूवमेंट होगा तो पूरे सेल का होगा, तो मूवमेंट भी यूज कर सकते हैं, लोकोमोशन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सुडोपोडियल मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ सुडोपोडिया, एग्जाम्पल अमीबा। सेकेंड, सिलियरी मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ सिलिया, एग्जाम्पल पैरामीशियम। फ्लैजिलर मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, एग्जाम्पल इबुलिना। ठीक है, फ्लैजिलर मूवमेंट इबुलिना, रिग्निंग मूवमेंट occurs by contraction and expansion of body, यानी body कभी contract करेगा कभी expand करेगा, और contraction expansion के कारण slightly movement होता है, gliding movement होता है, that is called wriggling movement। example, एग्जाम्पल डायटम्स, सॉरी एग्जाम्पल रिग्निंग मूवमेंट, एग्जाम्पल इबुलिना, इबुलिना एंड नेक्स्ट म्यूसिलेज प्रोपल्सन। प्रोपल्सन मीन्स पुश, अगर ये लिविंग्स है और एक तरफ से किसी सबस्ट्रेटम पर म्यूसिलेज सीक्रेट करता है तो कुछ न कुछ प्रेशर डेवलप होगा और उस प्रेशर के कारण वो स्लाइटली मूव करेगा, तो इसको हम कहेंगे
म्यूसिलेज प्रोपल्शन, एग्जाम्पल डायटम्स। तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स अकर्स इन प्रोटिस्टा। ओके नेक्स्ट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट, रिप्रोडक्शन अकर्स बाय टू मेथड्स। फर्स्ट एसेक्सुअल एंड सेकेंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल एसेक्सुअल अकर्स बाय बाइनरी फ्यूजन और स्पोर फॉर्मेशन। अकर्स बाय बाइनरी फ्यूजन और स्पोर फॉर्मेशन। यू नो अबाउट बाइनरी फ्यूजन, इट इज ए सिंपल ब्रेकिंग ऑफ सेल्स इन विच सेल डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। ओके सो बाइनरी फ्यूजन अकर्स इन एबुलेना डाइएटम्स, डायनोफ्लैजिलेट ईटीसी। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर इज फॉर्म्ड इन ए सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया, और इसी स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर फॉर्म करता है। स्पोर जर्मिनेट कर न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल स्लाइम मोल्ड। ठीक है तो ये सेक्सुअल का दो मेथड्स, बाइनरी फ्यूजन एंड स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मेथड इज ए मेथड इन विच सेक्स ऑर्गन और गैमेट्स पार्टिसिपेट्स। इसके पहले बैक्टीरिया में भी सेक्सुअल बताया गया था, जिसमें कि कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन था, उसे ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहे थे। उसके टर्म दिया था मैंने, याद है, उसका टर्म था पारा सेक्सुअल मेथड। यानी प्रोटिस्टा में ही सबसे पहले ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यहीं से शुरुआत होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन अकर्स।
मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन बोथ आर अपोजिट प्रोसेस। मियोसिस का मतलब क्या होता है, क्या करता है, क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है, जितना भी लिविंग्स में क्रोमोसोम है अगर मियोसिस होता है तो सेल में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा बाय मियोसिस फॉर्म प्रोसेस। मेनली हैप्लॉइड गैमेट्स आर फॉर्म्ड एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इट मींस ये क्रोमोसोम नंबर को फिर क्या कर देगा, डबल कर देगा। तो दोनों अपोजिट प्रोसेस है और दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। मियोसिस भी होगा, पहले हाफ होगा, फिर वह फ्यूज करेगा, फिर वह डबल हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा। ओके, इन प्रोटिस्टा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अगर इसकी टाइप्स की बात करें हम, फर्स्ट आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी। गैमी मीन्स फ्यूजन, गैमी मीन्स फ्यूजन। सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ गैमीट पार्टिसिपेट्स इन फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ थ्री टाइप्स, आइसो, एनाइसो, ऊगैमी। आइसो मीन्स सेम, गैमी मीन्स फ्यूजन। इट मीन्स फ्यूजन ऑफ टू सिमिलर गैमेट्स। जो भी दो गैमेट के बीच फ्यूजन हो रहा है वह दोनों गैमेट सिमिलर होगा, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर एंड फंक्शनली सिमिलर, दैट इज कॉल्ड आइसोगैमी। इन सम कंडीशन टू गैमेट्स डेट पार्टिसिपेट इन फर्टिलाइजेशन आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट फंक्शनली डिफर। सो दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड फंक्शनली एनाइसोगैमी। मॉर्फोलॉजी सिमिलर है लेकिन फंक्शन दोनों का अलग अलग है, तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे फंक्शनली एनाइसोगैमी। ओके, फर्स्ट आइसोगैमी, फ्यूजन ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स। मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स का जब फ्यूजन होगा तब हम उसे आइसोगैमी कहेंगे। सेकेंड एनाइसोगैमी, एन आइसो, आइसो मीन सेम, एन आइसो मीन सेम नहीं है, डिसिमिलर। एन आइसो मीन सिमिलर, डिसिमिलर सॉरी मीन्स फ्यूजन ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट्स। मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर है और जब मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होगा फिजियोलॉजिकली भी डिफरेंस हो। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए इन दिस वन इज अ स्मॉलर इन साइज एंड
अदर, सेकेंड इज लार्जर इन साइज एंड थर्ड इज उगैनी। इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एनाइसोगैमी। यह एनाइसोगैमी का ही एक फॉर्म है, मॉडिफाइड फॉर्म है। इसमें होता क्या है कि मेल गैमेट्स आर स्मॉलर इन साइज एंड मोटाइल, व्हाइल फीमेल गैमेट इज लार्जर इन साइज एंड नॉन मोटाइल। ओके, मेल्स मेल गैमेट मोटाइल एंड स्मॉलर, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल एंड लार्ज। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ On the basis of types of gametes, sexual reproduction is of three types. Okay. Now, life cycle in protist also completes in two forms, and that depends upon division or meiosis division. Life cycle. Patterns of life cycle, किस स्टेज में मियोसिस सेल डिवीजन होता है इसके आधार पर लाइफ साइकिल को दो पैटर्न में डिवाइड किया जाता है, या कहते हैं लाइफ साइकिल का दो पैटर्न है। फर्स्ट, लाइफ साइकिल स्विंग मियोसिस, स्विंग मियोसिस ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। मीन्स गैमेटिक मियोसिस, यानी पैपर कंडीशन को हम कह सकते हैं गैमेटिक मियोसिस। ओके, अब ध्यान दें, सपोज दैट लिविंग्स आर डिप्लॉयड, टू एन बॉडी लिविंग्स आर डिप्लॉयड एंड डिप्लॉयड लिविंग्स फॉर्म्स हैप्लॉयड गैमेट। अगर इस डिप्लॉयड लिविंग्स से गैमेट का फॉर्मेशन होता है और गैमेट हैप्लॉयड होता है, बॉडी डिप्लॉयड है, गैमेट हैप्लॉयड है, इट मीन्स क्रोमोसोम नंबर इज इन गैमेट इज जस्ट हाफ ऑफ देयर पेरेंटल सेल,
बडी से गैमेट में क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा, इट मीन्स यहां मियोसिस हुआ। तो मियोसिस कब हुआ? गैमेट के फॉर्मेशन में। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एंड ऑफ इन फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स अकर्स, बोथ गैमेट्स आर हैप्लॉइड, सो हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड इक्वल टू डिप्लॉइड। तो जायगोट यहां कैसा बनेगा? जायगोट इज डिप्लॉइड एंड फ्रॉम डिप्लॉइड जायगोट, सॉरी फ्रॉम डिप्लॉइड जायगोट डिप्लॉइड इंडिविजुअल डेवलप्स। डिप्लॉइड इंडिविजुअल है, म्यूसिस किया, हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन किया, गैमेट का फ्यूजन हुआ, गैमेट के फ्यूजन से डिप्लॉइड जायगोट बना और डिप्लॉइड जायगोट से फिर डिप्लॉइड लिविंग्स और विंग का फॉर्मेशन हो गया। इट मीन्स इन दिस प्रोसेस गैमेटिक म्यूसिस टेक्स प्लेस। ओके एंड सेकेंड इज जायगोटिक म्यूसिस, सेकेंड इज जायगोटिक म्यूसिस। ध्यान दें, सेकेंड जायगोटिक म्यूसिस, मीन्स म्यूसिस सेल डिवीजन अकर्स इन जायगोट। देखिए, मान लिया लिविंग्स, लिविंग्स बॉडी आर हैप्लॉइड, बॉडी ही हैप्लॉइड है। अब हैप्लॉइड बॉडी से गैमेट का फॉर्मेशन होना है, तो हैप्लॉइड बॉडी से गैमेट बनना है, गैमेट भी हैप्लॉइड है, मीन्स नो एनी चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, इट मीन्स लिविंग्स डिवाइड्स बाय माइटोसिस सेल डिवीजन, बाय माइटोसिस सेल डिवीजन एंड फॉर्म्स गैमेट। गैमेट कैसा है? तो हैप्लॉइड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट इज फॉर्म्ड एंड जायगोट इज डिप्लॉयड, बिकॉज जायगोट इज डेवलप्ड ड्यू टू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। तो जायगोट कैसा हो गया? डिप्लॉयड हो गया। लिविंग्स कैसा है? हैप्लॉइड है, तो डिप्लॉयड जायगोट से हैप्लॉइड लिविंग्स बनना है। इसका मतलब है कि जायगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे लाइफ साइकिल शोइंग जायगोटिक मियोसिस। अब जरा सा ध्यान दें, अगर हम इस कंडीशन की बात करें, बॉडी डिप्लॉयड, गैमेट हैप्लॉइड, जायगोट डिप्लॉयड, जायगोट से फिर बॉडी डिप्लॉयड, यानी यहां सिर्फ गैमेट का स्टेज जो है हैप्लॉइड है, बाकी लाइफ का सारा स्टेज डिप्लॉयड कंडीशन में है। ओके, इसकी बात करें, बॉडी हैप्लॉइड, गैमेट हैप्लॉइड, जायगोट डिप्लॉयड, जायगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस, हैप्लॉइड बॉडी इज फॉर्म। इन दिस प्रोसेस और इन दिस पैटर्न ओनली जायगोट इज डिप्लॉयड कंडीशन। ओके, सो दिस इज कॉल्ड, सॉरी मोस्टली इज डिप्लॉयड, ओनली गैमेट इज हैप्लॉयड, इट इज कॉल्ड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यहां देखें, लिविंग्स हैप्लॉयड, गैमेट्स हैप्लॉयड, ओनली जायगोट इज डिप्लॉयड। पूरे लाइफ का मोस्टली जो टाइम है, मोस्टली स्टेज है, वह क्या है? हैप्लॉयड है, ओनली जायगोट इज डिप्लॉयड। सो दिस इज कॉल्ड हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, दिस इज कॉल्ड हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सो देयर आर टू पैटर्न्स ऑफ लाइफ साइकिल इन प्रोटिस्ट, वन इज हैप्लॉन्टिक एंड अदर इज डिप्लॉन्टिक। नाउ वी सी द टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट।
1 मिनट। चलिए तो हम आगे देखते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट को भी कई रूप में डिवाइड किया गया है। जनरली प्रोटिस्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। वन इज फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, सेकेंड प्रोटिस्ट डेट एक्ट एज कंज्यूमर, एंड थर्ड प्रोटोजोम्स। सो प्रोटिस्टा फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोन्स, सॉरी प्रोटिस्ट, सेकेंड कंज्यूमर और डिकम्पोजर, एंड थर्ड प्रोटोजोन टाइप। फोटोसिंथेटिक का 3 ग्रुप, फर्स्ट डायनोफ्लैजिलेट, सेकेंड क्राइसोफाइट, एंड थर्ड डायनोफ्लैजिलेट क्राइसोफाइट्स। इसमें स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स टाइप इज प्रोटोजोवा। स्लाइम मोल्ड्स प्रोटोजोवा, वन मोर इन दिस ग्रुप इज डायनोफ्लैज क्रैसोफाइट, थर्ड इगुलिनोइड। सो डायनोफ्लैजिलेट क्रैसोफाइट इगुलिनोइड आर फोटोसिंथेटिक, स्लाइम मोल्ड्स आर कंज्यूमर्स, and protozoans type is protozoa। These are the different types of protista। और सभी के बारे में हम लोग जानना है, तो हम लोग आज general character protista का types देख लिया। अगले video हम लोग देखेंगे dinoflagellate, chrysophyte, ठीक है ना। चलिए okay, thanks।